हेलो दोस्तों, कंप्यूटर जीके क्यूज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे टॉप 10 जीके क्वेश्चन, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है विद इन 5 सेकंड में कमेंट के माध्यम से। तो अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो ए ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, बी ऑप्शन है जे एस किल्बी, सी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको विद इन 5 सेकंड में आंसर देना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के खोजकर्ता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ए ऑप्शन है एट्रिस, बी ऑप्शन है इनिक, सी ऑप्शन है टेंडी, डी ऑप्शन है नोविला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनिक, इनिक था पहले कंप्यूटर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो ए ऑप्शन है 1949 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1946 में, डी ऑप्शन है 1947 में। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में हुई थी पहले कंप्यूटर की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो ए ऑप्शन है 1977 से, बी ऑप्शन है 2000 से, सी ऑप्शन है 1955 से, डी ऑप्शन है 1960 से। तो इसका करेक्ट आंसर है 1960 के बाद में आई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन क्या है कंप्यूटर का? तो इसमें ए ऑप्शन है गणना करने वाला, बी ऑप्शन है संगणक, सी ऑप्शन है हिसाब लगाने वाला, डी ऑप्शन है परिगणक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को हिंदी के अंदर संगणक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 5 दिसंबर को, बी ऑप्शन है 14 दिसंबर को, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर को, डी ऑप्शन है 2 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ए ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू की फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है याहू, सी ऑप्शन है बेदू, डी ऑप्शन है वोल्फ्राम अल्फा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वोल्फ्राम अल्फा है वो एक सर्च इंजन नहीं है, और इसके अलावा गूगल याहू जो भी है सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, मतलब जिससे इनपुट दिया जा सके? तो ए ऑप्शन है माउस, बी ऑप्शन है कीबोर्ड, सी ऑप्शन है स्कैनर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी कि ए बी सी डी चारों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माउस भी एक इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी एक इनपुट इकाई है, और स्कैनर भी एक इनपुट इकाई है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ए ऑप्शन है 1024 बाइट, बी ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, सी ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो
उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर होता है, 1 किलो बाइट। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आपको बेल आइकन का एक बटन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके दोस्तों।